सायन कोलीवाड़ा लक्ष्मण निवास बिल्डिंग में बने गालों में गरीब लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए गैरेज और दुकानों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार को चला रहे हैं। पर कुछ दिन पहले बीएमसी ने उन दुकानों के आगे पेंट पार का परमिशन दुकानदारों को बिना किसी जानकारी के दे दी है, जिसके चलते दुकानदार एवं मजदूर काफी परेशान है। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सारे दुकानदार शिवसेना वाहतुक विभाग के प्रदेश सचिव शक्ति भाई और कई पदाधिकारियों के साथ मिलके बीएमसी के खिलाफ मोर्चा निकाल के अपना गुस्सा जाहिर किया। मामला ऐसा है, ये शिवसेना उधड़ वातुक सेना ऑटोमोबाइल यूनियन बनाई हुई है, 2 साल हो गए इसको। यहाँ पे 50 साल से जो व्यापारी है, जो दुकानदार है और जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे आम पब्लिक, वो 50 साल से यहाँ काम कर रही है। पर बीएमसी एफ नॉट माटुंगा वार्ड ऑफिसर के द्वारा, केशव उबाले जी जो वार्ड ऑफिसर है यहाँ के, उनके द्वारा यहाँ पे पेन पार्क का ऑर्डर निकाला गया, जिसमें ये पूरा रोड 32 नंबर, 16 नंबर, 33 नंबर, ऐसे काफ़ी रोड है, एरिया पूरा सब जगह पे एन पार्क डाल दिया गया है। और उस बारे में हमने जब चर्चा करने की उनसे बात की, हम उनको मिलने गए 2-3 बार, वो हमसे मिले नहीं। हमने लास्ट में भी एक आरटीआई डाला, को वार्ड ऑफिसर हमको मिलने को तैयार नहीं है। हमने उनको फ़ोन पे बोला कि सर हमको चर्चा करनी है आपसे जरा इस बारे में कि ये पे एन पार्क क्यों निकला, क्या वजह है। तो मुझे फ़ोन पे खाली इतना बोला उन्होंने कि यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती है, उसके लिए हम पे एन पार्क कर रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, हमको थोड़ा समय दीजिए, मिलना है आपसे। पहली बात तो ट्रैफिक यहाँ हो रही नहीं, अब इतने लोग खड़े हैं 500 लोग तो भी देखिए ट्रैफिक नहीं है जरा भी। तो यहाँ जब खाली गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो सामान लेती हैं और निकल जाती हैं। जो हमारे यहाँ गाड़ियाँ आती हैं दुकानों पर काम के लिए, वो खाली आती हैं, सामान लेती हैं, या बहुत हुआ सीट कवर फिट किया, व्हील कैप फिट कर चली जाती हैं। जो पे एंड पार्क होगा वो 24 घंटे के लिए होगा। अभी हमने हमारे जो महापुर है उनसे नहीं मिले अब तक, हमने पहला वार्ड ऑफिसर को मिले जहाँ से नोटिस आया है, जहाँ से पे एंड पार्क का ऑर्डर निकला है, हम पहले उनके पास गए। तो जब नहीं मिले, हमने फिर उनको निवेदन दिया, परसों हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने क्लियर बोला कि हमने फीस भी ले ली है और हम पे एंड पार्क चालू करेंगे। उस विषय पर हमने माननीय खासदार राहुल शिवाले साहब को पत्र लिखा था, हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बाल साहब उन्होंने, तो उस पत्र के द्वारा राहुल शिवाले साहब ने कल के कल बीएमसी कमिश्नर, ज्वाइंट ट्रैफिक कमिश्नर और वार्ड ऑफिसर केशव वाले, इन सबको पत्र भेज दिया। उस पत्र में ऐसा लिखा है, रिक्वेस्ट की इनको कि यहाँ 50 साल से दुकानदार बिजनेस कर रहे हैं, 1200 से 1300 लोग जो आम जनता है, जिनका खाली रोजी रोटी कमाना काम है, वो किसी से लेना देना नहीं, ऐसे लोग जो 50 हज़ार धंधा कर रहे हैं, 1200 से 1300 परिवार, उनके ऊपर से हमने एक रिक्वेस्ट की है उनके माध्यम से। वो हमारे पास आए थे, उन्होंने राइटिंग में पत्र दिया हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष को, जितनी दुकानें इधर 60 दुकानें हैं, 60 दुकानदारों ने हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष बल साहब, इंद्रजीत सिंह बल साहब, उनको पत्र लिखा, उसमें ऐसा निवेदन किया कि हम यहाँ 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अभी आपको देते हैं 5 मिनट कॉपी दे देते हैं, हर आपको जितने प्रेस वाले सबको इसकी जवाब दे देंगे हम। उसमें बीएमसी को पत्र लिखा है राहुल शिवाले साहब ने, खुद हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष ने जब उनको भेजा कॉपी राहुल शिवाले साहब को, पर हमने इस विषय पे ऊपर तक ये उसका सबूत है कि हमने ये पत्र ऊपर तक दिया है। हमने क्लियर बोला है केशव वाले साहब को, वार्ड ऑफिसर को, परसों जब निवेदन देने गए थे, कि अगर उनको हमने रिक्वेस्ट की कि हमको समय दीजिए 2 महीने का, हम इस पर चर्चा करेंगे, जरूर हम कोर्ट तक जाएंगे, पर हमको समय दीजिए, डायरेक्ट ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपने हमको कोई नोटिस नहीं दिया, हमसे कोई चर्चा नहीं की, 50 साल से आप इधर बैठे दुकानें लेके, तो एक बार हमको बोलना चाहिए आपकी दुकान के पेन पार्क। उस विषय पे उन्होंने बोला वो हमारी मर्जी है, हम कब मर्जी कोई ऑर्डर निकाल सकते हैं। जब उन्होंने ये बात बोली तो हमने वहाँ हाथ जोड़ के बोल दिया ठीक है आप अपनी मर्जी कीजिए, अगर जो 1200 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो आम जनता, आम पब्लिक है, उनके साथ गलत होगा तो शिवसेना और शिवसेना उधर वातुक सेना चुप नहीं बैठेगी, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, बेमुद्दत भूख हड़ताल। यहाँ जो गरीब लोग काम कर रहे हैं, जो जहाँ जो दुकान है, दुकान में जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी जो फैमिली है, इनके कमाई के ऊपर इनके फैमिली के पेट पलते हैं, इनके गरीब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होंगे जो पढ़ाई लिखाई है, अगर इनके धंधे बंद हो जाएंगे, यहाँ पे एंड पार्क लग जाएगा तो इनके रोजी रोटी बंद हो जाएगी, रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो इनके परिवार कैसे पलेंगे। तो ये हमारे बीएमसी जो ऑफिसर है वाले साहब, उनको भी सोचना चाहिए, हमारे सत्ता को भी सोचना चाहिए, और हमारे जो सरकार है बीजेपी के, उनको भी सोचना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है।
वहीं लोगों का कहना है कि काफी दिनों से अधिकारियों और बीएमसी ऑफिस के चक्कर हम काट रहे हैं, पर अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। अगर पे एंड पार का परमिशन मिल जाएगा तो हम सबको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि जिस जगह पर बीएमसी पे एंड पार का आदेश दे रही है वो इतना सेंटर की जगह है जहां से सायन अस्पताल के लिए लगातार एम्बुलेंस आती जाती है और अन्य गाड़ियों के लिए सबसे आसान रास्ता होता है। वहां से सड़क और दुकानों की दूरी महज 25 से 30 फीट है और सिग्नल के बेहद करीब है। अगर पे एंड पार्क मंजूर होकर लागू हो जाएगा तो सड़क पर जाम आम बात हो जाएगी और लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। बीएमसी ऑफिसर से यही बोलना चाहता हूं मैं कि इतने साल से हम लोग, इतने साल से हमारे दुकानें 50-60 साल से चल रही है, इनके दुकानों की वजह से कम 1000 से 1200 आदमियों का घर चलता है। अब एक आदमी घर में अगर 4 आदमी हैं तो उसके हिसाब से 5000 आदमी के पेट का सवाल है। उन लोगों ने किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, इतने साल से काम कर रहे हैं, कम से कम एक कमेटी मेंबर है, कुछ भी करके यहाँ से मीटिंग लेके कुछ कर सकते तो पूछ सकते थे, कोई चीज़ उन लोग कोई चीज़ पूछा नहीं है। आज गवर्नमेंट बोलती है कि पढ़ाओ बच्चों को, आगे बढ़ाओ। आज हमारे लिए जो पोजीशन चल रहा है, जिसे नोटबंदी आई, उसके बाद आपका GST आया, उसके बाद वैसी जो बिजनेस था 20% 30% रह गया है। आज के तारीख में आधा मतलब बच्चों को हम लोग पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकते, वो पोजीशन है। उसके बावजूद अगर ये बंद हो जाता है इतने आदमी कहाँ जाएंगे? आज कुछ ये पोजीशन आ जाएगा कि चोरी होगी, क्राइम होगा, तो ये गवर्नमेंट इसके बारे में ज़रा ध्यान दे। इतने पब्लिक है, इतने आदमी हैं, इनके बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, आज बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, अगर हमारा ये काम बंद हो गया तो बच्चों की अधूरे में आधे में रह जाएगी जो शिक्षा उनको लेनी है, वो सब आधे में फंस जाएंगे, फिर क्या होगा? तो बोलते हैं देश तरक्की कहाँ देश करेगा तरक्की? आज खाने को नहीं है तो तरक्की बच्चे पढ़ाएंगे तो बच्चे कहाँ, तरक्की कहाँ, क्या होगा? तो इतना ही कहना है कि ज़रा हमारे ऊपर ध्यान दे।